गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लेवल 3 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर सेशन नंबर 5 कम्युनिकेशन स्टाइल्स असर्टिवनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, यू हैव लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे आप अलग प्रकार के संचार के तरीकों के बारे में आप पहले सीख चुके हैं। इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट ए न्यू कॉन्सेप्ट। अब इस पार्ट में आप एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे, उसका नाम है कम्युनिकेशन स्टाइल्स, संचार का अंदाज। संचार का अंदाज कैसे हो सकता है, किस अंदाज में आप संचार कर सकते हो। ए स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड ए वर्बल एंड नॉन वर्बल स्किल्स। जो संचार का अंदाज है उसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार के स्किल होते हैं। यूजिंग द करेक्ट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन मेक्स योर कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव एज अदर्स विल बी एबल टू क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट यू से एंड रिस्पॉन्ड टू यू इन ए बेटर वे। अगर आप सही तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हो तो आप उसको अच्छी तरह से, बहुत प्रभावशाली तरीके से आप उसको अदर पर्सन को अपनी बात समझा सकते हो। और जब आप अच्छी तरह से अपनी बात को समझाओगे तो आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स क्या हैं आपके, महत्वपूर्ण संचार के अंदाज क्या क्या हो सकते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू फील गुड आफ्टर सम कन्वर्सेशन बट सम कन्वर्सेशन मेक यू फील एग्री। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा या देखा होगा, जब आप किसी से बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो आपको अच्छा महसूस होता है और कई बार आप उदासी महसूस होती है आपको किसी से बात करने के बाद, आप नाराज हो जाते हो। यह आपके अंदाज पे डिपेंड करता है किस अंदाज में आपने किससे बात की है और दूसरे पर्सन ने किस अंदाज में आपके साथ बात की है, वो इस पे डिपेंड करता है आपका कम्युनिकेशन कैसा हुआ है एक दूसरे के साथ। दिस में ड्यू टू द डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल, अलग अलग अंदाज में बात करने के साथ ही ये आपका परिणाम निकलता है, जिसमें एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में शो सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज कम्युनिकेशन स्टाइल्स, जो मेन मुख्य तौर पे जो कम्युनिकेशन अलग अलग जो संचार के अंदाज हैं कौन कौन से ये आते हैं। अग्रेसिव का मतलब ये होता है आक्रामकता है आपकी। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। विनिंग एट एनी कॉस्ट, मतलब आप किस भी तरह से आप जीतना चाहते हो बगैर किसी कॉस्ट के, बगैर नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स, आप दूसरों को रिस्पेक्ट आदर नहीं देना चाहते, आदर नहीं देते हो, वो आपकी आक्रामकता को दिखाता है। उदाहरण के लिए नॉट केयरिंग अबाउट अदर व्यूज, आप दूसरे के विचारों से सहमत नहीं होते कभी भी, उनके आवश्यकताओं और उनके विचारों से कभी सहमत नहीं होते। डिसमिसिंग, इग्नोरिंग और इंसल्टिंग अदर्स, हमेशा आप दूसरों को अवॉइड करते हो, उनसे मिलने से बचते हो, इग्नोर करते हो, उनका इंसल्ट अनादर करते रहते हो, शाउटिंग उन पे चिल्लाते हो, शाउटिंग यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, कड़ी भाषा में आप उन पे चिल्लाते हो और नॉट लिस्टिंग, दूसरों की बातों को नहीं सुनते हो, जिसका रिजल्ट क्या होता है, इल फीलिंग, एंगर, ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे आप उनसे कभी बात नहीं करते हो, बात करने से बचते हो, आप हमेशा उनसे नाराज रहते हो और हमेशा आपको उनके प्रति जिस पर्सन से आपका कम्युनिकेशन होता है, जो पहले होता होगा, उसमें आप उसके प्रति हमेशा नाराज़गी आपके दिल में रहती है और नाराज रहते हो। नेक्स्ट है आपका पैसिव और सबमिसिव। पैसिव सबमिसिव में क्या होता है, विनम्र स्वभाव। जब आपका विनम्र स्वभाव है, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, जैसे आप दूसरे से झगड़ा करने से बचते हो, गिविंग अदर्स कंट्रोल, आप दूसरों के नियंत्रण में रहना पसंद करते हो, दूसरों के अंडर रहना पसंद करते हो, लॉसिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, आप दूसरों का आदर करने से बचते हो, अपना भी आदर करने से बचते हो, कीपिंग क्वाइट एंड नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, आप हमेशा शांत रहते हो और अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने आप को ज़्यादा दूसरों के सामने उजागर नहीं कर पाते, एक्सेप्टिंग इवन रॉन्ग रिमार्क्स फ्रॉम अदर्स, और आप जो दूसरों की गलत टिप्पणियों को भी स्वीकार करने लगते हो, एक्सेप्ट करने लगते हो, सेइंग सॉरी इवन व्हेन इट इज़ नॉट योर मिस्टेक,
अगर आप गलती नहीं है तब भी आप इसमें आप माफ़ी मांगते हो हर्ट। अब इसका रिजल्ट क्या रहता है? रिजल्ट ये रहता है परिणाम थ्रू हर्ट फीलिंग्स लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। हमेशा आप अपने आप को लो कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास से पूर्ण नहीं समझते, विश्वास नहीं होता आपके अंदर, कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है आपकी हमेशा सभी के साथ। नेक्स्ट है आपका पैसिव अग्रेसिव, इसमें आप ज़्यादा आक्रामक भी हो सकते हो, अग्रेसिव हो सकते हो, विनम्रता ज़्यादा होती है आपके अंदर, एंड ट्राई टू गेट योर ओन वे विदाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपने अपने अंदाज में चलना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग चलना चाहते हो, दूसरों की बात नहीं समझते हो, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, हर्टिंग योर सेल्फ और खुद का ही नुकसान पहुँचाते, अपने दिल को ही चोट पहुँचाते हो आप और दूसरों के दिल को भी चोट पहुँचाते हो, इनडायरेक्ट वेज ऑफ शोइंग एंगर्स और अप्रत्यक्ष रूप से अपने गुस्से को आप दूसरों को साबित करते हो, सच एज नॉट डूइंग ए टास्क एंड लाइंग अबाउट इट, जैसे आप कोई काम नहीं करना चाहते और हमेशा झूठ बोलते हो, और टॉकिंग इल अबाउट अदर्स इन देयर एब्सेंस और उनकी अनुपस्थिति में आप उनके बारे में भला बुरा कहते हो, नॉट गेटिंग द रिजल्ट यू वॉन्ट फ्रॉम द कम्युनिकेशन एंड बैड फीलिंग्स ऑफ एवरीबडी। इसका रिजल्ट के परिणाम स्वरूप क्या होता है? जो जिस चीज़ का आपको परिणाम, जो भी टास्क आपने किसी को दिया है उसका आप परिणाम चाहते हो वो आपको प्रॉपर नहीं मिल पाता है, और हर एक के प्रति आपके मन में बुरे विचार आते हैं। नेक्स्ट है आपका असर्टिव। असर्टिव मतलब दबंगता। अगर आप दबंग हो, अगर आपका कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है, संचार का जो अंदाज है, वो दबंग प्रकार का है, एक सक्षम प्रकार का, बोल्ड तरीके का, तो इसमें आप क्या कर पाते हो? आप रिस्पेक्टिंग अदर्स, आप दूसरों का सम्मान कर पाते हो और अपना भी, अपने आप का भी सम्मान करते हो, अपने आप के स्वाभिमान में भी आप रहते हो। एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ बाय लिसनिंग टू अदर्स पॉइंट्स, और दूसरों के विचारों को सुनने के साथ साथ अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हो और दूसरे विचारों के अकॉर्डिंग अपने विचार रखते हो और प्रॉपर एक तालमेल बनाते हो। अंडरस्टैंडिंग अदर व्यूज एंड प्रॉब्लम, दूसरों के विचारों को सुनते हो और उनकी समस्याओं का समाधान करते हो। डिसएग्रीइंग और सेइंग नो विदाउट हर्टिंग अदर्स। डिसएग्रीइंग का मतलब ये होता है, अगर आप किसी विचार से सहमत नहीं हो उसको आप नो बोलते हो, जो बिल्कुल सही नहीं है आपके विचार में, जो बात सही नहीं है उसको डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से आप डायरेक्ट वे में नो बोलते हो, बजाय इसके कि आप आपकी बातों का उसको उसके दिल को कोई ठेस पहुँचे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रभावशाली तरीके। इसका रिजल्ट क्या रहता है? इसके परिणाम थ्रू अगर आप इस तरह से वो असर्टिव तरह के हो, असर्टिव अंदाज में, असर्टिव स्टाइल में आपका कम्युनिकेशन है, तो आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, प्रभावशाली तरीके से आप दूसरे से कम्युनिकेट पाओगे। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स मच बेटर एंड दे टू कैन अंडरस्टैंड यू, और अच्छी तरीके से आप दूसरों की बातों को समझ पाओगे, दूसरों को समझ पाओगे और उनकी बातों, उनकी समस्याओं का निवारण कर पाओगे। असर्टिव कम्युनिकेशन में और क्या है? बींग असर्टिव इज ए हेल्थियर कम्युनिकेशन स्टाइल, मतलब एक स्वस्थ संचार का अंदाज होता है दबंग होना। इसमें क्या क्या है? इट इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग योर व्यूज विदाउट डिस्पेक्टिंग अदर्स, अपने विचारों को बजाय, अपने विचारों को आप प्रकट कर सकते हो बजाय इसके कि आपके विचारों से दूसरों के दिल को ठेस पहुँचे, जिस पर अनादर हो, दूसरों का अनादर हो, और रिस्पेक्टिंग अदर, दूसरों का भी आदर आप उसमें आप करते हो। कम्युनिकेटिंग योर ओपिनियन एंड विशेज क्लियरली, आप अपने सुझाव और अपने इच्छाओं को अच्छी तरीके से आप उसका संचार कर पाते हो, कम्युनिकेट कर पाते हो। बींग ओपन टू अदर पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरों के दृष्टिकोण को भी अच्छी तरह से आप समझ पाते हो। फाइंडिंग ए बैलेंस बिटवीन योर नीड्स एंड अदर नीड्स, और दूसरों की आवश्यकताओं और अपनी आवश्यकताओं में एक उचित तालमेल आप स्थापित कर पाते हो। आप इसके लाभ क्या है असर्टिव कम्युनिकेशन के? बींग असर्टिव, दबंग होने से क्या होगा? आप एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्वाभिमान एक बना पाओगे,
और एक आत्मविश्वास भी आप स्थापित कर पाओगे, प्रिवेंट्स यू फ्रॉम सेइंग वर्ड्स और डूइंग एक्शंस दैट यू मे रिग्रेट लेटर्स। मतलब उन्हीं शब्दों का आप प्रयोग करते हो जिनको आप कर पाते हो, और जिस काम को आप कर पाओगे उसमें आप यस बोलते हो, अदरवाइज आप नो बोलते हो। मेक्स यू एंड अदर्स फील पॉजिटिव, जिससे आप मतलब दबंग होने से क्या होता है, एक विचारों में सक्षम होने से क्या होता है, आप एक सकारात्मकता फील करते हो, एक महसूस सकारात्मक विचार आपके मन में, आपके मन के द्वारा प्रकट होते हैं दूसरों के प्रति। मेक श्योर दैट एवरीवन एक्सप्रेसेस देयर आइडियाज एंड मीट्स द नीड्स ऑफ ऑल। मतलब दबंग होने से क्या होता है, जैसे आप पॉजिटिव दिखते हो, कॉन्फिडेंट और स्वाभिमान दिखते हो, जिससे क्या होता है कोई भी अपने विचारों को आपके सामने अच्छी तरीके से प्रकट कर पाता है, उनके विचारों को आप समझ पाते हो और उनकी प्रॉब्लम, उनकी समस्याओं को आप इजीली सॉल्व कर पाते हो। हेल्प यू टू बिकम ए मोर कॉन्फिडेंट वर्कर एंड ए बेटर कम्युनिकेटर, जिससे आप एक मोर सबसे ज़्यादा विश्वस्त कार्यकर्ता बन पाते हो और एक बहुत बढ़िया कम्युनिकेटर संचारक बन पाते हो। अब 7 प्रकार की क्रियाएं आपकी होती हैं एक दबंग संचार करने की। जैसे आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बी कॉन्फिडेंट, विश्वास होना चाहिए आपको। व्हेन समवन वॉक्स इनटू ए रूम स्मार्टली एंड कॉन्फिडेंट, जब कोई पर्सन अपने घर में जैसे घूम रहा है या बाहर घूम रहा है, इस तरह से घूमना चाहिए, विश्वासपूर्ण तरीके से चलना चाहिए कि दूसरों का ध्यान आप पे अट्रैक्ट हो, कि उनको लगे कि बहुत स्मार्ट है, तो बहुत आत्मविश्वास है। टिप्स क्या है, शो कॉन्फिडेंस इन द वे यू सिट स्टैंडर्ड वॉक, जब आप चलते हो, बैठते हो या खड़े होते हो, उसमें आपका विश्वास झलकना चाहिए। कीप योर शोल्डर स्ट्रेट, आपने कंधों को सीधा रखना चाहिए और बॉडी को ऊपर। प्रैक्टिस मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, अपनी नज़र आप जब आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपकी नज़र बनाए रखनी चाहिए। कंट्रोल साइन ऑफ फिजिकल, अपने भय को, डर को किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए, उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, जैसे कि दांतों नाखून को चुबाना, सच एज बाइटिंग नेल्स। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, आराम से बोलना चाहिए और साफ स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए। टॉकिंग टू फास्ट विल नॉट गिव पीपल एट द टाइम टू लिसन अंडरस्टैंड यू, समवन इज अजिंग शॉटिंग एंड, मतलब एक चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए, एक व्यवहार से, उचित तरीके से आपको दूसरों से, एक विनम्र स्वभाव से, शांत रहते हुए दूसरों से बात करनी चाहिए। टिप्स क्या है, यूज ए क्लियर काम वॉइस, साफ और विनम्र आवाज़ होनी चाहिए। बी लाउड इनफ टू बी हेयर टू बट डोंट शाउट, मतलब इतनी आवाज़ में बोलना चाहिए जितनी आवाज़ में दूसरा सुन सके, ये नहीं भी अब चिल्लाना नहीं चाहिए उसके ऊपर। इफ पीपल आर नॉट नोटिसिंग यू से एक्सक्यूज मी, अगर आप लोग आपको सुन नहीं रहे हैं, एक्सक्यूज मी बोल के आप अपनी बातचीत शुरू कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। डोंट अपोलोजाइज व्हेन यू हैव नॉट, एंड जब तक आपने कोई गलत काम नहीं किया तब तक उसके लिए आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, और कम से कम छोटी और सही स्पीच का आपको प्रयोग करना चाहिए। ड्रेस करेक्टली, साफ सुथरी आपको ड्रेस पहननी चाहिए, ताकि देखने से लोगों को ये, क्योंकि देखने से ही लोग जजमेंट करते हैं कि वो पर्सन कैसा है। आपकी ड्रेस साफ सुथरी होगी तो आप अच्छी तरह से आपको अच्छा पर्सन समझेंगे, अच्छा बंदा समझेंगे। टिप्स क्या है, लुकिंग कॉन्फिडेंट एंड अट्रैक्टिव कैन चेंज अदर माइंड्स, अगर आप विश्वास से भरे हुए लगते हो, आकर्षित लगते हो, जिससे दूसरों का मन आपके प्रति बदलता है। पीपल मे नॉट लिसन टू यू सीरियसली इफ यू आर नॉट ड्रेस प्रॉपरली, अगर आप अच्छी ड्रेस आपने नहीं पाई हुई है, साफ सुथरी ड्रेस नहीं पाई हुई है, तो आप लोग आपको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, आपको अच्छी तरीके ध्यान से नहीं सुनते हैं। पीपल रिस्पेक्ट यू वैन यू आर ड्रेस प्रॉपरली, लोग अब तभी आप आदर करेंगे जब अगर आपने सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, उचित तरीके से ड्रेस पाई हुई।
साफ सुथरी ड्रेस पाई होगी होगी। बी ऑनेस्ट, आपको ईमानदार रहना चाहिए। बीइंग ऑनेस्ट बिल्ड ट्रस्ट एंड रिजल्ट्स इन ओपन कम्युनिकेशन। अगर ईमानदारी से ही आप एक विश्वास और एक संचार में एक ईमानदारी प्रकट कर सकते हो। टिप्स क्या है इसकी, एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड क्लियरली ऑनेस्टली। अपने विचारों को आप साफ तरीके से और ईमानदारी से प्रकट करना चाहिए। आस्क योरसेल्फ बिफोर यू एक्चुअली वांट, पहले आप खुद से आपको पूछना चाहिए आप क्या करना चाहते हो, कौन सा काम आपके लिए सही रहेगा, बजाय इसके कि आप किसी भी काम के लिए आप हाँ बोल दो। डोंट बी एग्रेसिव, अग्रेसिव नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा आपको नाराज नहीं होना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए किसी के ऊपर, गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। डोंट कन्फ्यूज असर्टिवनेस विद अग्रेशन, मतलब अपने जो आपकी दमकता है जो सक्षमता है उसको आप आक्रामकता के साथ नहीं मिलाना चाहिए, में कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। वैन फेस्ड विद अनफेयर सिचुएशन स्टे कॉल्म एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम। जब आप अनुचित अवस्था आपको कोई मिलती है आप जिंदगी में आपके सामने होती है तो उसमें आपको हमेशा शांत रहना चाहिए और उस पर काबू, अपने जो मुख्य समस्या है उस पर काबू करने के लिए तथ्यों को समझना चाहिए। इंसिस्ट ऑन राइट्स बाय यूजिंग लॉजिक एंड पोलाइटनेस, तथ्यों पर आधारित और नम्र स्वभाव के द्वारा ही आपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। स्पीक अप, एक्सप्रेस योर थॉट्स आइडियाज ओपिनियन विदाउट वरिंग अबाउट अदर पीपल रिएक्शंस, जैसे इसके कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे क्या सुझाव रखेंगे इसकी चिंता किए बगैर आपके अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करना चाहिए। टिप्स क्या है, डोंट बी साइलेंट इफ यू हैव समथिंग टू से, अगर आपको कुछ लोगों के सामने कुछ कहना है तो उसमें आपको चुप नहीं रहना चाहिए, उसी टाइम कहना चाहिए। शेयर योर फीलिंग्स, अपने विचारों को दूसरों के सामने अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। प्रैक्टिसिंग योर सेल्फ, प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन, अपने सुझाव को प्रकट करने का अभ्यास करना चाहिए। लर्न टू से नो, कई बार ऐसी अवस्था होती है जब आप कोई सही चीज़ नहीं होती, यू डू नॉट फील राइट डूइंग समथिंग दैट डू नॉट डू इट, इट्स ओके टू रिफ्यूज। अगर कोई काम सही नहीं है आपकी नज़रों में, वो सही नहीं है, उसे नहीं करना चाहिए, तो आपको नो बोलना सीखना चाहिए। टिप्स, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, अपने खुद के आपको रिस्पेक्ट, अपने खुद का आदर करना चाहिए। डोंट लेट अदर्स टेक एडवांटेज यू, कोई भी अदर पर्सन आपका लाभ ना उठा सके, इस तरह का आपका नेचर होना चाहिए। आर्गिंग विद थिंग्स यू नो आर नॉट करेक्ट में हार्म एवरीबॉडी, अगर आप किसी से कोई विचार विमर्श कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, उसमें आर्गुमेंट कर रहे हो, तो आपको लगता है वो बात सही नहीं है, तो उसे हटना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए, बजाय इसके कि दूसरों को इस चीज़ का नुकसान पहुँचे।